तो दोस्तों पबजी का नाम तो आप लोगों ने भी सुन ही लिया होगा, तो आज मैं बात करने वाला हूँ उसी गेम के बारे में और बताऊंगा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप उस गेम में जल्दी हाई स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप खेलते होंगे आपको पता होगा उस गेम में 100 लोग एट टाइम पे खेल सकते हैं, सर्वाइवल गेम है तो उसमें आपको पता ही है यार कि अगर 100 लोग खेल रहे हैं तो आप क्या पता उनमें से जल्दी आउट हो जाते हों। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको जल्दी आउट नहीं होना है तो मैं आपको बता दूंगा कुछ 5 से 7 ऐसी चीज़ें, टिप्स और ट्रिक बोल सकते हैं जिनको आप, जिसके वजह से आप गेम में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो वो क्या है आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टैक। तो बिना समय को गवाए हुए आज वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोज लाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं, अगर आप ये गेम खेल रहे हैं आपको ये पता होगा ये एक सर्वाइवल गेम है, तो जब भी आप इस गेम को खेल रहे हो आपके पास होना चाहिए तो आपको हेडफोन या होना चाहिए आपका एयरफोन, तो जो दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से इजीली परचेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जब आप इसे पहनते हैं हेडफोन को अपने ईयर में लगाते हैं तो उससे बेसिकली क्या होगा, जो भी वॉइस है आपको क्लियरली सुनाई देगी, जो भी आपके नज़दीक से जा रहा है तो आपको उसकी आहट पहले से रहेगी। जब कोई चलता है तो उसमें क्या होता है, जब कोई ओपोनेंट होते हैं वो यूज़ करेंगे शूज़, और जब वो चलेंगे तो उनके जूतों की आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देगी। हेडफोन मैंने खुद यूज़ करके देखा है तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसे यूज़ करके आप इजीली ये भी चीज़ ट्रैक कर सकते हैं, कोई आपके राइट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो जिस हिसाब से भी आएगा आप इस हेडफोन के यूज़ से बड़े आसानी से पता आ सकते हैं। उसका दूसरी टिप की बात कर लेता हूं, जब आप एक गेम खेल रहे हो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, शूज बिल्कुल भी मत पहनिएगा इस गेम में। अगर आप शूज पहनते हैं तो आपके जो शूज की आवाज है वो बहुत ज्यादा तेज आती है इस गेम में, और उसके वजह से आप फंस सकते हैं, बहुत जल्दी आप टर्मिनेट हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी टिप। तीसरी टिप की बात कर लेता हूँ, जब भी आप ये गेम खेल रहे हो तो मैप पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा। अगर आप मैप पे फोकस नहीं करते हो तो यार आपको कब कोई कौन मार के चले जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखते होंगे मैप आता है उसमें आपको एक स्पॉट्स दिखते होंगे, जैसे मैं आपको इस इमेज में दिखा रहा हूँ आपको कुछ स्पॉट्स दिखते होंगे ऊपर की साइड में, आपको स्पॉट्स दिख जाते होंगे, तो वो जो स्पॉट्स होते हैं वो होते हैं एनिमी के। तो आपको जाना है बड़े ही सावधानी से उनके पास और करना है तब जाके छुपके से शूट। अगर आप वो करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से उन्हें किल कर सकते हैं, तो ये चीज़ का बिल्कुल खास कर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथी टिप की। तो चौथी टिप ये है, अगर आप जाते हैं किसी घर के अंदर और आप देख लेते हैं यार दरवाज़ा है खुला हुआ, तो ये चीज़ सोच लीजिए शायद हो सकता है आपका ओपोनेंट भी उसी कमरे के अंदर उसी घर के अंदर, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर हो जाइए सतर्क। और अगर आप जाते हैं किसी और के कमरे के अंदर उसका दरवाज़ा है बंद, तो जब भी आप अंदर घुसे तो दरवाजे को क्लोज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप दरवाजे के अंदर घुस जाते हो और जैसे ही अगर आप ऊपर वाली बिल्डिंग में हो यानी कि उससे ऊपर जाते हो, तो जब कोई अंदर घुसता है तो दरवाजे खुलने की आवाज़ आपको आसानी से आ जाएगी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो यार कि कोई आपके घर के अंदर घुस गया है, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ आती है, जब भी आप जा रहे हो किसी खेत के रास्ते या किसी जंगल के रास्ते, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वहाँ पर यूज़ कीजिएगा झाड़ियों का यानी कि बुश का यूज़ कीजिएगा। आप बस अगर बुश में आप जाके आराम से बैठ जाते हैं उसके बाद आप इधर उधर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप वो चीज़ ट्रैक कर सकते हैं कि यार आपको कोई देख तो नहीं रहा या आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। और उसमें आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है जो होता है आई का ऑप्शन, तो अगर आप आई के ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं तो उससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कौन आपको फॉलो कर रहा है या कौन आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ का भी खास कर आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ मैं आपको। एक इसमें होता है टाइम फ्रेम, काफ़ी लोग होते हैं जिनको टाइम फ्रेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है, जैसे मैं जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया था मेरे को भी बिल्कुल भी नहीं पता था टाइम फ्रेम होता क्या है इसमें। तो बेसिकली क्या होता है, एक ब्लू लाइन होती है वो आपके लिए टाइम सेट कर देती है, वो बना देती है आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो उनका बनाने का भी एक फ़ायदा है, अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं बनाया जाएगा तो ये गेम कभी ख़त्म होगा भी नहीं, तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाते हैं ताकि आपका ये गेम 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर में ख़त्म कैसे भी करके हो जाए। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख रहे हो कि यार वहाँ पर आ चुका है रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो वहाँ पर एक वाइट कलर की एक लाइनिंग होती है, तो आपको जाना है उस वाइट कलर की लाइनिंग के अंदर, हमेशा आपको उसी के अंदर रहना है
तब जाके आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो ये भी हो गई। उसके बाद एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप कहीं पे लैंड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, लैंड कभी भी आप स्टार्टिंग में या एंड में बिल्कुल भी ना लैंड करें। कीजिएगा लैंड तो बीचों बीच में कीजिएगा, या तो स्कूल में या हॉस्पिटल में, जिसमें दो ऑप्शन, दो आपको काफ़ी ज़्यादा जगहें दिखेंगी। तो उसमें एक स्कूल का ऑप्शन होता है, एक होता है हॉस्पिटल का। कि जितने बार भी मैंने खेला है, ऑलमोस्ट 70% जो लास्ट में गेम आता है वो आता है हॉस्पिटल और स्कूल में, मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ख़त्म होता है वो वहीं पर आकर ख़त्म होता है। तो इस चीज़ का भी आप खासकर ध्यान रख सकते हैं, तो जिससे आप गेम में आगे तक बढ़ सकते हैं। एक और मेन चीज़ बता दूं, कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, सोचते हैं कि यार हमारे पास फर्स्ट एड किट नहीं है तो हम इस गेम में अब आगे नहीं खेल पाएंगे, या अगर किसी ने गोली मार दी तो हमारा गेम ख़त्म। तो यार उनके पास होते हैं बैंडेड्स और होते हैं रेड बुल्स, यानी कि एनर्जी ड्रिंक्स होती है वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अगर आप वो गेम खेल रहे हैं, आपके पास वो चीज़ें हैं तो उनको यूज़ कीजिए। अगर बैंडेड लेते हैं तो आपकी जो लाइफ होती है उसमें 10-15% इंक्रीमेंट होता है, या और जो आपके रेड जो एनर्जी ड्रिंक होती है वो भी लेते हैं तो उसमें भी 10-15% आपका इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि आपको लाइफ ज्यादा मिल जाती है। तो उस चीज का भी यूज कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद। अगर आई है ये वीडियो पसंद तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।